हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो प्रीवियस वीडियो में हम केस नंबर वन के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर टू के, ठीक है। हमारा केस नंबर टू बोलता है व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, ठीक है, कि हम जब इंस्ट्रूमेंट का जो डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट से हम उस बिल्डिंग के बेस का डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा पी पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा और हम एच को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा ये पर्पस है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थियोडोलाइट को ए पोजीशन पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो ए पोजीशन पे सेट करने के बाद हमारा ये अल्फा वन फॉर्म कर रहा है हमारा पी पॉइंट पे, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, फिर थियोडोलाइट के पोजीशन को चेंज करके बी पे ले आते हैं, ठीक है। बी पे लाने के बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, अल्फा टू। ओके, और हमारा यहाँ पे जो बेंच मार्क है, और बेंच मार्क की जो हमारी रीडिंग हो गई, बैक साइड रीडिंग, वो है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, बी एस है, ठीक है। हमारा बी क्या है, हमारा दो थियोडोलाइट के बीच का डिस्टेंस को हम बी मान के चले हैं, और हमारा अब जो बेस है उस बिल्डिंग का और थियोडोलाइट ए ए पोजिशन पे जितना डिस्टेंस, इसको मान के चले हैं हम डी, ठीक है। तो ए बी मेरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। एच क्या है, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस। हमारा एच क्या है, पी पॉइंट से लेके इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस के बीच का हाइट है, ठीक है। डी है, बी है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया दो थियोडोलाइट के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यानी यही बी। डी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा ये बेस ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमारा थियोडोलाइट ए पोजीशन पे जो हमारा थियोडोलाइट है उसके बीच के डिस्टेंस को हम डी मान के चलेंगे। एंड अल्फा क्या हो गया, हमारा अल्फा वन एंगल ऑफ एलिवेशन ए टू पी। हमारा ए से लेके पी में जो हमारा जो एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा वन है। अल्फा टू क्या है, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बी टू पी। बी से पी में जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा टू है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं ट्रेंगल पी ए पी डैस, पी ए पी डैस, ठीक है। हम इस ट्रेंगल में बात करते हैं पी ए पी डैस पे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो एच का जो वैल्यू होगा वो हमारे क्या है, डी टेन अल्फा वन। ओके, हम इसमें लगाएंगे टेन अल्फा वन, तो यहाँ से मेरा जो एच का वैल्यू आएगा डी टेन अल्फा वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रेंगल का, ट्रेंगल पी बी डैस पी, ठीक है, पी बी डैस पी। अब हम इस ट्रेंगल का बात करेंगे, ये बड़ा वाले ट्रेंगल का। तो यहाँ से हम टेन अल्फा टू लेंगे, तो जो टेन अल्फा टू लेंगे तो इसका जो एंगल मेरा फॉर्म करेगा, ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, बी प्लस डी। ओके, और ये डिस्टेंस पूरा कितना है, एच है। तो यहाँ से हम एच निकालेंगे, तो एच का वैल्यू होगा बी प्लस डी टेन अल्फा टू। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों का एच को, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। तब इक्वेट करने के बाद ये आएगा टेन अल्फा वन इक्वल टू बी प्लस डी इंटू टेन अल्फा टू, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से ये मेरा वैल्यू होगा डी टेन अल्फा वन इक्वल टू बी टेन अल्फा टू प्लस डी टेन अल्फा टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, डी को इधर लेके आएंगे। ओके, तो मेरा यहाँ पे बचेगा बी टेन अल्फा टू इक्वल टू, हम यहाँ से इसको इधर लेके डी कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में डी हमारा कॉमन है। तो डी को कॉमन लेने के बाद ये मेरा आएगा टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। अगर हमको यहाँ से डी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे। तो हमारा डी इक्वल टू हो जा रहा है बी टेन अल्फा टू बाय अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे हम, बिल्डिंग के बेस का डिस्टेंस एंड थियोडोलाइट का जब ए पोजीशन पे रहेगा उसकी डिस्टेंस को। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पर्पस रहेगा कि पी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हमारा जो एच का वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस एच के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो हमारा जो डी का वैल्यू आया है, डी के वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से मेरा एच का वैल्यू चला आएगा। तो हम क्या किए हैं, डी के वैल्यू को इसमें पुट कर दिए हैं, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो आएगी बी टेन अल्फा वन इंटू टेन अल्फा टू बाय टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू, ठीक है।
अब रिड्यूस लेवल अगर हमको पी पॉइंट का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड ट्रेडिंग, तो हम इस पोजीशन में पहुंच गए। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, एच को जोड़ देंगे। ठीक है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ पी इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ बी बेंचमार्क प्लस बैक साइड ट्रेडिंग प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सॉरी हाइट, यहाँ से पी पॉइंट से लेके इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस के बीच का जो हाइट है उसको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल पॉइंट पी का फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा वो एन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सिस होगा जब सेम लेवल में होगा तो हमारा रिड्यूस लेवल का एच हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और जो डी डी है हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।